नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy S25 versus LG Velvet का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy S25 में 6.29 इंच जबकि LG Velvet में 6.58 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Galaxy S25 में 2.93 इंच जबकि LG Velvet में 2.92 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy S25 में 0.33 इंच जबकि LG Velvet में 0.31 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy S25 में 190 ग्राम जबकि LG Velvet में 180 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy S25 में Super AMOLED जबकि LG Velvet में की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Galaxy S25 में 20:9 जबकि LG Velvet में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy S25 में 6.5 इंचेस जबकि LG Velvet में 6.8 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy S25 में 1080x2400 और LG Velvet में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy S25 में 85.68% जबकि LG Velvet में 88.81% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy S25 में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि LG Velvet में 395 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy S25 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, टेलीफोटो कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है। और LG Velvet की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 10 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy S25 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 8 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और LG Velvet में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy S25 में Mali G77MP11 जबकि LG Velvet में Adreno 630 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy S25 में Samsung Exynos 9 Octa 990 और LG Velvet में Qualcomm Snapdragon 845 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy S25 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 8 GB की RAM मिलती है, जबकि LG Velvet में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy S25 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB 256 GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि LG Velvet में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128 GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy S25 में अप टू 1 TB जबकि LG Velvet में अप टू 2 TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी Galaxy S25 में 4500 mAh जबकि LG Velvet में 4300 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy S25 में 5 कलर्स जबकि LG Velvet में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी S20 Fe में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें की 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 37,990 रुपीस, 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 46,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें LG Velvet की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 6GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ 32,990 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो दोनों फोन में 4 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में गैलेक्सी S20 से आगे है, मेन कैमरा में LG Velvet आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में गैलेक्सी S20 से आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें OnePlus 8T है जो कि 38,999 रुपए में मिलता है, दूसरा Oppo Reno 3 है जो कि 35,900 रुपए में मिलता है, तीसरा BlackView BV9900E है जो कि 34,800 रुपए में मिलता है, और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Cat S42 है जो कि 44,000 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।